दोस्तों, हवाई जहाज का सफर दुनिया के सुरक्षित सफरों में से एक माना जाता है। इसने लंबी से लंबी दूरियों को भी मिटाने का काम किया है। पर दोस्तों, कभी कभी हवाई यात्रा में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं, जिनके बारे में सुनकर ही दिल दहल उठता है। और कई बार कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं, जिनमें किसी की सूझबूझ के चलते जहाज में मौजूद यात्रियों की जानें भी बच जाती हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही हवाई घटना के बारे में बताएंगे, जिसमें एक ग्लास पानी से दो पायलटों ने 81 लोगों की जानें बचा ली थी। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ग्लास पानी से 81 लोगों की जान बचाई गई। दोस्तों, आपके मन में भी ये प्रश्न जरूर होगा कि आखिर एक ग्लास पानी से 81 लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है। तो बने रहिए इस दिलचस्प वीडियो में और देखिए ये दिलचस्प और सच्ची कहानी। दिन था 7 सितंबर 2010। रशियन एयरलाइंस अलरोजा एयरक्राफ्ट 514 रशिया के उदांचे शहर से मॉस्को जाने के लिए तैयार थी। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जिसमें 72 यात्री और 9 क्रू मेंबर शामिल थे। इस जहाज के पायलट थे यवगेनी नोवास्लेव और आंद्रे लामनोव। ये दोनों ही काफी अनुभवी पायलट थे। जहाज में बैठे पैसेंजरों के लिए ये एक सामान्य सी फ्लाइट थी, मगर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों में क्या होने वाला है। और आखिरकार ये जहाज एक साधारण सी उड़ान भरता है और मॉस्को की ओर बढ़ने लगता है। ये जहाज रशिया के एक छोटे से शहर उसिंगस के ऊपर से गुजर रहा होता है, जहां नीचे जमीन पर चारों तरफ बर्फ फैली हुई होती है। और तभी अचानक जहाज में कुछ खराबी आ जाती है, लेकिन पायलट इस प्रॉब्लम को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और वह जहाज उड़ाता रहता है। मगर जहाज इस स्थिति में 8 मिनट ही गुजार पाया था कि जहाज की हर एक लाइट ऑफ हो गई। जहाज में चारों तरफ अंधेरा छा गया। यात्री बहुत परेशान हो उठे। इन यात्रियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि जहाज में हो क्या रहा है और आगे होने वाला क्या है। लेकिन दोस्तों, इसकी असली वजह जहाज के दोनों पायलट समझ चुके थे। वे ये जान गए थे कि ये जहाज क्रैश होने वाला है। दोस्तों, उसके बाद ये हुआ कि जहाज में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो चुके थे, जिन्हें ठीक कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। जहाज के सिग्नल, इसका नेविगेशन सिस्टम तो खराब हो ही चुका था, साथ में जहाज में जिस जगह से फ्यूल आ रहा था वहां भी गड़बड़ी हो चुकी थी। यानी ये जहाज कुछ 30 मिनट तक ही हवा में रह सकता था। मगर दोस्तों, समस्या ये भी थी कि इस वक्त ये जहाज 34,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जहां से किसी एयरपोर्ट या इस जैसी किसी जगह का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। अब पायलट्स को अगर जहाज को सुरक्षित बचाना था तो उन्हें जहाज को सबसे पहले नीचे लेकर आना था, जिससे उन्हें जमीन पर कोई ऐसी जगह दिख सके जहां वो इस जहाज को लैंड करा सके। दोस्तों, यहां एक चुनौती ये भी थी कि जहाज को नीचे ले जाने के लिए एक सही एंगल से मोड़ने की जरूरत थी, पर जहाज के सारे सिस्टम पहले ही खराब हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। दोस्तों, इन दोनों पायलट्स ने जो किया उस पर यकीन कर पाना भी बेहद मुश्किल है। इन्होंने एक अजीब और साथ ही एक रिस्की काम किया। पायलट्स ने एक पानी से भरा ग्लास लिया और जहाज के कंट्रोल पैनल पर उसको रख दिया। जब इन पायलट्स ने जहाज को मोड़ना शुरू किया तो वह पानी एक तरफ झुकने लगा और इससे दोनों पायलट्स को जहाज की सही दिशा का अंदाजा मिल गया। दोस्तों, ये एक साधारण सी ट्रिक थी, मगर यहाँ इन दोनों पायलट्स की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जब स्थिति ये थी कि प्लेन क्रैश होने वाला था, उस वक्त में एक ग्लास पानी का ये करिश्मा इन दोनों पायलट्स ने ही कर दिखाया। और इस पानी के ग्लास की मदद से ये जहाज 34,000 मीटर की ऊंचाई से 9,000 मीटर की ऊंचाई तक आ चुका था, जिससे ये पायलट्स जमीन को आसानी से देख और परख सकते थे। लेकिन दोस्तों, ठहरिए, यहाँ एक बात और गौर करने लायक है, और वो ये कि इस जहाज की किस्मत। जब ये जहाज नीचे आया तो उस वक्त ये रशिया के एक छोटे से शहर इज्मा के ऊपर उड़ रहा था। इस शहर में एक सुनसान एयरपोर्ट भी बना हुआ था जो कई सालों से खाली पड़ा था। इस एयरपोर्ट पर कभी कोई फ्लाइट नहीं आती थी, लेकिन यहाँ एक आदमी इस एयरपोर्ट का अच्छे से ख्याल रखता था। यह आदमी कभी एयरपोर्ट पर सुपरवाइजर का काम करता था। इस आदमी को एयरपोर्ट को साफ रखना बेहद पसंद था। यह आदमी एयरपोर्ट के रनवे को हमेशा साफ सुथरा रखता था। यहाँ तक कि एयरपोर्ट के रनवे की मार्किंग भी ये खुद ही पेंट करता था। दोस्तों, इस आदमी के शौक के चलते ही जहाज में मौजूद पायलट्स को ये रनवे दिखाई दे गया। इसके बाद पायलट्स ने जहाज को इस रनवे पर उतारने की कोशिश की, मगर वे नाकाम रहे। इस दौरान पायलटों ने यात्रियों को प्लेन की स्थिति के बारे में भी बता दिया था,
साथ ही उन्होंने यात्रियों को वार्न भी किया था कि जहाज बहुत तेजी से जमीन पर उतरेगा। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उस वक्त जहाज में बैठे यात्रियों पर क्या गुजर रही होगी। उनके जहन में अपनी जिंदगी को लेकर बहुत डर था। लेकिन दोस्तों आखिरकार दो बार नाकामी के बाद तीसरी बार ये दोनों होनहार पायलट्स इस जहाज को रनवे पर उतार लाए। दोस्तों इस जहाज की किस्मत को भी मानना पड़ेगा, पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो गए लेकिन एक पानी के ग्लास की वजह से नीचे आ सका। इसके बाद उस आदमी का अजीब शौक देखिए जिससे ये सुनसान पड़ा एयरपोर्ट पायलटों की नजर में आ गया और अंत में ये जहाज सुरक्षित लैंड हो गया। ये प्लेन क्रैश होने वाला था लेकिन इन दोनों पायलट की समझदारी के चलते इसमें मौजूद 81 लोगों की जानें बच गई। ये दोनों पायलट जहाज की लैंडिंग के बाद हीरो बन गए। एक गिलास पानी का ऐसा इस्तेमाल लोगों ने कभी सोचा नहीं था और ना ही देखा था, वह भी जब जान पर बात आई हो। साथ ही लोगों ने उस आदमी को भी खूब सराहा जिसने बिना किसी वजह के उस सुनसान खाली पड़े एयरपोर्ट को साफ रखा था। दोस्तों इस रोमांचक लैंडिंग को आज भी किसी करिश्मे की तरह समझा जाता है और पायलट्स की ये ट्रिक भी किसी जादू से कम नहीं लगती। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही साथ इसी तरह की और दिलचस्प और मिस्टीरियस स्टोरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों पूरी वीडियो में बने रहने के लिए और अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।